Assalamualaikum guys, this is Akib Nadeem, you're watching me on channel I'm Khan, I'm back again with a brand new vlog. Oh, इधर तो मछली मारी जा रही है. मैंने जैसे इंट्रो दिया तैसे चाचा ने जाल फेंक दिया. काश दो मिनट पहले मैंने किया होता. देखो वहाँ पे ये फेंक रहे हैं. सो गाइस घबराइए नहीं, हम लोग मुंबई के जुहू चौपाटी वगैरह पे नहीं है. हम लोग एक गाँव है जिसका नाम है भुतहवा गांव के पास है और ये बगल में सस्ता जो है समुद्र बह रहा है. यहाँ पे भी फेंका जाएगा. चाचा अभी जाल लेकर जा रहे हैं और पूरी तैयारी में जाल को फेंकने के लिए. अरे यार फेंक गया चाचा अब जाल. इनकी जाल ही फंस गई है यार. क्या जाल फेंके कर रहे तू? नहीं नहीं क्या मछुआरा बने कर रही. गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं. जा रहा है. हाँ फेंको चाचा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. अब इसमें मछलियाँ पकड़ी जाएंगी. पता नहीं पकड़ी जाएंगी भी कि नहीं. जाल पे जाल फेंकी जा रही है. इतनी जाले यहाँ पे फेंकी जा रही हैं. ब्लू व्हेल नहीं हाथ में आई तो फिर फायदा क्या जाल फेंकने का. इसमें मछली होगी भी यार. काफी शैलो दिख रहा, मतलब जैसे डीप नहीं दिख रहा है. ये डीप है क्योंकि यहाँ पे ब्लूइश तुमको जब कलर दिखेगा तो वो समझो डीप ही है. हम लोग आए थे यहाँ पे, कुछ काम था, आकाश का कुछ काम था इसलिए मैं आया था. अभी हम बस यहाँ से निकलने वाले. आगे एक और अच्छी सी लोकेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो मैं यहाँ पर इसलिए रुक गया क्योंकि ये बहुत ही अलग सी जगह, काफी पीसफुल है. बगल में नदी है, उसके बगल में क्या बोलते हैं उसको, खेत खलिहान. चला जाए जी. लोग को मछली वछली नहीं मिल रही है यार, ये लोग अब फालतू टाइम पास करने आए हैं. चले जाना. वो तो तुम्हारे बाइक का शीशा मुझे बचा लिया वरना मैं तो कूद ही जाता. अभी हमारे निकलने का वक्त आ चुका है. मैं इस हेमलेट को पहन लेता हूँ. हम लोग अब निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं. अभी मैं आपको इसके आगे जाकर एक और लोकेशन दिखाता हूँ. वो वहाँ पे ब्रिज बना हुआ था और वो ब्रिज बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से बना हुआ था. कौन सा ब्रिज? वो रास्ते में जो पड़ा था ब्रिज जिसमें गोबर पड़ी हुई थी. हाँ गोबर जो था. अब मतलब गोबर वाला ब्रिज, गोबर वाला ब्रिज. गाँव का मतलब सीनरी बेहतरीन था. मैं दिखाऊंगा आपको, जरूर वेट कीजिए, इंतजार कीजिए. देखिए दोस्तों ये नदी के नाम पर मजाक है. इसमें आदमी आराम से चल के पार कर ले रहा है. ये नदी नहीं, ये नाला है. तुम्हारी बात गलत निकली कि ये बहुत डीप वाटर है. इट्स शैलो. ये डीप है, ये डीप है, इट्स वेरी शैलो. शैलो में घुटना दिखता है यहाँ तक. चलो हम स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी. ये काफी अच्छा सा हाईवे, यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, हद से ज्यादा. ऐसा क्या होता है ना, सड़क जो है खराब हो जाती है. जब ज्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो सड़क खराब हो जाती है. जानते हैं इसका क्या यहाँ पे उपाय किया गया है? ये देखिए, ये सड़क को स्क्रैच से, टूटने से, फूटने से बचाने के लिए इस पे स्क्रीन गार्ड लगाया गया है. सड़क का पर्सनल स्क्रीन गार्ड है और ये टेक्निक आपको कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ इंडिया में. इंडिया इज ग्रेट. मतलब अगर तुम गिरते हो तो तुम वहीं पे जाके गिरोगे ना, तो तुमको चोट नहीं लगेगी. आप अगर कहीं गिरते उड़ते हो तो उस पे आप गिरोगे, चोट भी आपको नहीं लगेगा. शक्ल अगर खराब रहती, गड्ढे हो जाते हैं तो फिर फाउंडेशन लगा के भर देते हैं. वैसे यहाँ पे भी खड्डे अगर होंगे वो भी भर दिए गए. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है इसका. भाई साहब थोड़ा सा और रख दिए. अब इससे बिल्कुल भी सड़क पर स्क्रैच नहीं आएगा, ना पुरानी होगी ना कुछ. हमेशा चमकती सड़क आपको मिलेगी. और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वरना ऐसे फैक्ट्स से आप चूक जाएंगे और अपना यूपीएससी का एग्जाम आप पास नहीं कर पाएंगे. सो गाइस मैं इसी लोकेशन की बात कर रहा था. ये जो ब्रिज है ना मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं जब उधर से आ रहा था, जा रहा था मतलब गांव की तरफ, गांव का नाम होता हुआ, ये जो ब्रिज देखा ये काफ़ी एग्जॉटिक टाइप का लगा पुराने ज़माने के हिसाब से. ये जो साइड में ऐसे गिरे हुए ना लाइन से गोबर की जगह है, ये एकदम मतलब फील दे रहा है गाँव वाला. अभी आगे और अच्छी लोकेशंस मिलेंगी तो मैं आपको और दिखाता जाऊँगा. दिखाते दिखाते अगले दो तीन दिन में तो पहुँच ही जाऊँगा मैं अपने घर पर. खैर चलते हैं. गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे कुछ, तो और कहाँ पे जाएं, और आगे मिला ही नहीं. तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ देर के लिए, कुछ खाने पीने के लिए. कह रहे हैं तुम यही रहो, मैं देख के आ रहा हूँ. अगर उधर मिलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा फोन करके. अरे कितनी पतली जगह है भाई साहब. तो गाइस सामने हमारे पेश है बिरयानी चटनी. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा खाना पीना हो चुका है, यहाँ से हम निकलेंगे. अभी हमारी आधी टंकी भरी, आधी टंकी हम आगे जाकर भरेंगे. निकल लो भैया.
गाइस फाइनली मैं घर पर वापस आ चुका हूँ। भी मैं कुछ देर पहले ही घर पे आया, खाना भी मैं पैक करा कर ले आया हूँ क्योंकि मैं बाहर ही था, इसके वजह से मैं बना नहीं पाया कुछ। छोटे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं, बेटा रो मत, आप लोग बड़े हो गए, आप लोगों को तो मैं लॉलीपॉप दे नहीं सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए चॉकलेट। 4 मिनट 5 मिनट के व्लॉग्स आएंगे, आप इनको देख कम अज कम शिकवा तो मत कीजिएगा। व्लॉग्स नहीं आते हैं, कुछ तो आ रहा है, इसे मैं खुश होंगे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करिएगा जरूर, शेयर कीजिएगा इस व्लॉग को। खलास।